नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आईटी कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास एचपी का एक नया मॉडल का लैपटॉप आया हुआ है 2023 का स्टार्टिंग में। खास करके मैं आप लोग के लिए है इस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। हमारे यहां बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि सर कम से कम बजट में ब्रांडेड लैपटॉप चाहिए। तो मेरे ख्याल से 2022 में तो इतना प्राइस कम नहीं था, पर अभी आपको 2023 का स्टार्टिंग में ये जो लैपटॉप मैं अभी आप लोग के लिए लाया हूं, बताने वाला हूं, ये आपको डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आपका बजट के अंदर में हो जाएगा। तो ये जो मॉडल हमारे पास आया है, मैं आपको बता दूँ, HP ब्रांड 255G8 सीरीज में है। इसमें आपको AMD का एथलन प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, 4GB का रैम है, 256 SSD है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज की डेट में अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से तो SSD ही लेना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए कम से कम, ताकि उसमें आप काम आसान से कर सको। और SSD का परफॉर्मेंस जो है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क बेटर होता है। तो इसका डिटेल्स मैं आपको जब अनबॉक्सिंग करूंगा, फिर इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डालूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सा प्रोसेसर दिया गया है, कौन सा सीरीज में दिया गया है, और क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं बता दूं, ये लैपटॉप खास करके मैं बिगनर्स लोग के लिए ही लाता हूं, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, जो पहले बार सीखते हैं कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, और उनको एजुकेशन परपोज के लिए चाहिए या बेसिक ऑनलाइन काम वगैरह करना है, तभी ये लैपटॉप आपको प्रीफर करना चाहिए। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए हमारा चैनल विजिट किए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं आप लोग के लिए ऐसे ढेर सारे रिन्यूड लैपटॉप एंड न्यू लैपटॉप, वो भी आपका मात्र 10,000 से 25,000 के अंदर में एक से एक आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग करके, इसका लुक के बारे में थोड़ा देखेंगे क्या क्या पोर्ट दिया है, उसके बाद में हम लोग इसको फटाफट सेटअप कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो आया है DOS वर्सन है। तो हमने कर लिया है बॉक्स से अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक लैपटॉप है, इसका पैकिंग आप लोग देख सकते हो, इसमें पेपर रैपिंग है, और इसका स्टैंडर्ड जो है थोड़ा अच्छा है, ताकि इसमें ट्रैवल के टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आए। इसके साथ में यहाँ पे एक आपको पावर अडाप्टर दिया गया है, साथ में पावर केबल। तो इसमें पावर अडाप्टर जो है 65W का पावर अडाप्टर है, एंड पिन आप लोग को इसमें पतली वाली पिन देखने के लिए मिलेगा, जो कि ब्लू कलर में आती है। अब फटाफट देखेंगे लैपटॉप को खोल के और क्या क्या पोर्ट है, कैसे इसका लुक है, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इसका डिटेल्स और भी जूम करके। तो ये है लैपटॉप की फर्स्ट लुक, आप लोग देख सकते हो ग्रे कलर के साथ में यहाँ पे ब्लैक कलर में HP का जो ब्रांडिंग इसके अंदर में है, क्या लग रहा है, जबरदस्त। अब देखते हैं फटाफट इसको अनफोल्ड करके। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये लैपटॉप जो है, यहाँ बेजल्स वगैरह की बात करें कि एकदम कम है इसमें, बहुत ही कम है, देख सकते हो आप लोग। लाइट वेट भी है ये लैपटॉप, तो इसको मैं वेट करके एक बार आपको दिखाऊंगा कि कितना वेट है ये लैपटॉप। अब चलिए फटाफट देखते हैं इसका पोर्ट वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो टाइप ए स्टैंडर्ड USB पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और एक पावर सॉकेट दिया गया है, उसके साथ में इंडिकेटर लाइट भी है उसका। और इधर अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड SD कार्ड के लिए भी स्लॉट दिया गया है। अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये प्लास्टिक मटेरियल में है, और कीपैड का अगर बात करें तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर में इसका स्पीकर के लिए दिया गया है, और कीपैड वगैरह मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप से मटेरियल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो वीडियो का क्वालिटी है मैं नेचुरल आपको दे रहा हूँ, जैसे इसमें देखने के लिए मिल रहा है आपको सेम टू सेम ऐसे ही ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक स्टिकर दिया गया है सपोर्ट हेल्प वगैरह के लिए, वारंटी वगैरह इशू कुछ आती है बाद में उसके लिए। अगर इधर दूसरे साइड का अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें 3.5mm जैक दिया गया है। उसके बाद में इधर अगर राइट साइड का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है, HDMI पोर्ट भी दिया है। अच्छी बात यह है कि इसमें LAN पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हिंज वगैरह का बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टैंडर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका लेंथ दो देखिए आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये लैपटॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है इसका ओवरऑल लुक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी ये मॉडल खरीदना चाहते हो और आपको अगर डाउट है कि कैसे दिखेगा, किस टाइप का है, तो आप यहाँ से इसको देख के पता लगा सकते हो। चलिए फटाफट लैपटॉप का वेट का भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक वेट मशीन है। अब रखते हैं लैपटॉप के इसके ऊपर में, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि इसका वेट जो है, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ,
डिस्प्ले में देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 1.688 किलो लिखा है, मतलब 1 किलो 688 ग्राम की ये लैपटॉप है। इसका मतलब है ये लाइट वेट लैपटॉप है, आप इजीली कहीं पे भी इसको पकड़ के कैरी करके लेके जा सकते हो। और इस लैपटॉप का बाकी का डिटेल्स मैं सेटअप करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। और सेटअप कैसे करना है ये अगर आपको समझ में नहीं है तो एक वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ, उसको देख के भी आप डॉस से आप विंडो कैसे सेटअप करोगे वो भी देख लोगे। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नियर बाय शॉप अगर आपके कहीं पे भी है तो वहाँ पे जाके आप 300 से 500 दे के इसका सेटअप करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग हमने लैपटॉप को कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है। तो इस लैपटॉप में हमने डाला है विंडो 10, उसके साथ में ऑफिस पैकेज 2021। तो अब चलिए फटाफट लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन वगैरह, इसका प्रोसेसर का डिटेल्स, फ्रीक्वेंसी, रैम वगैरह सब चेक कर लेंगे। उसके बाद में मैं इसका आपको कैमरा वगैरह का क्वालिटी, नेट का बैकअप वगैरह ये सब मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि ये लैपटॉप क्या आपके लिए सही रहेगा या नहीं। सबसे पहले हम लोग टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एस्केप एक साथ दबा सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से टास्क बार जो है राइट क्लिक करके यहाँ से आप टास्क मैनेजर में भी जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर में गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मोर डिटेल्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ परफॉर्मेंस में जाके आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैंने परफॉर्मेंस में क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो इधर साइड में आपका सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है। मैं थोड़ा पास ले जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोग को क्लियर विजिबल हो गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें AMD एथलन सिल्वर 3050U बोल के दिखा रहा है। अगर मेमोरी का बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखिए 74% यूज बोल के दिखा रहा है। मैं इसमें एक ब्राउजर ओपन करके रखा हूँ, 4GB का रैम है इसमें। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4GB दिखा रहा है। इसमें DDR4 वाली रैम लगा हुआ है। अगर नीचे अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसका जो स्पीड है 2400 mAh है। और स्लॉट्स यूज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 of 2 लिखा है, एक स्लॉट अभी भी खाली है बोल के बोल रहा है। इसका मतलब आप अगर चाहो तो इसमें आपका रैम वगैरह अपग्रेड कर सकते हो, 8GB 16GB तक का मैक्सिमम है मेरे हिसाब से। और डिस्क अगर बात करें तो SSD है इसमें, NVMe 256GB का SSD दिया गया है। NVMe का स्पीड जो है लगभग बाकी SSD के कंपेयर से ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छा परफॉर्मेंस आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। कैमरा का अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे मैं कैमरा टाइप करता हूँ, आप लोग देख सकते हो कैमरा ऐप आ चुका है। अब इसमें आपको एंटर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कैमरा का क्वालिटी है। तो मेरे हिसाब से इसका क्वालिटी नॉर्मल वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए तो ठीक रहेगा। तो इसमें जो क्वालिटी दिया गया है ये मैं पहले से चेक करके रखा था, फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 0.9 MP का आपको वेब कैमरा देखने के लिए मिलेगा। ये है आपका कैमरा का क्वालिटी, आप यहाँ फोटो वगैरह खींच सकते हो या वीडियो कॉलिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। अब फटाफट देख लेते हैं इसका स्पीड वगैरह के बारे में। तो जैसे मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, आप लोग देख सकते हो ऐसे लैग तो नहीं हो रही है लैपटॉप। अब चलिए 3-4 टास्क इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि एक ब्राउजर में ओपन किया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक बार नेट का स्पीड भी चेक कर लेते हैं। मैं first.com यूज कर रहा हूँ इसमें, first.com में जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे आपका इंटरनेट का स्पीड भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ हमने लगा रखा है 140 Mbps का इंटरनेट स्पीड। अब देखते हैं इसमें कितना स्पीड दिखा रहा है। तो लगभग मेरे हिसाब से 150 दिखा रहा है, कभी कभी क्या होता है गलत दिखाता है, पर 140 खींचेगा, मतलब नेट का स्पीड भी ठीक ठाक है। YouTube ओपन करके देखते हैं। चलिए मैं इसमें YouTube ओपन किया, इसको ओपन कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो मतलब इसमें नॉर्मल ऑनलाइन काम वगैरह आप अगर करना चाहते हो तो ये लैपटॉप ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए मैं यहाँ पे RT कंप्यूटर मार देता हूँ। तो ये हमारा YouTube चैनल है, आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ, कोई एक वीडियो ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, आप देखिए, और ये मैं प्ले करके इसमें दिया, साउंड वाउंड भी ठीक है, आप लोग सुन सकते हो यहाँ से। स्किप करेंगे वीडियो को, चलिए देखिए। तो ये लैपटॉप मेरे हिसाब से नॉर्मल काम के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए सही रहेगा। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बार, देखिए क्वालिटी वगैरह भी ठीक है इसका। तो एक बार थोड़ी इसको मैं बंद कर लेता हूँ, उसके बाद में इसका डिस्प्ले का क्वालिटी वगैरह भी चेक कर लेंगे। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आप जैसे डिस्प्ले सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें जो रिजोल्यूशन दिया गया है वो 1366x768 है।
जो कि HD आता है। और फटाफट बैटरी वगैरह की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 90% अभी भी है। तो मेरे हिसाब से 3-4 घंटा मिनिमम तो आराम से चला जाएगा, क्योंकि लगभग 45 मिनट हो चुका है और अभी तक सिर्फ 10% ही आपका बैटरी ड्रेन हुई है। तो ये था आपका ओवरऑल लैपटॉप के बारे में रिव्यू। तो अभी तक का मैं 1 घंटा हो गया इसको यूज कर रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं सेल के लिए लाया था, तो सोचा कि आप लोग के लिए क्यों ना इसका सेटअप करके एक रिव्यू कर दूँ। तो अभी तक का मेरे हिसाब से इस बजट में, तो बजट की अगर बात करें तो ये लैपटॉप आपको ऑनलाइन में देखने के लिए मिलेगा। अमेजन का अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए चेक करके रखा था, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 25,750 कुछ अमेजन में दिखा रहा है। अगर फ्लिपकार्ट का बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30,000 दिखा रहा है। पर मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ ऑफलाइन में ये लैपटॉप January 1st में मेरे हिसाब से आपको 24-25 हज़ार के अंदर अगर मिल जा रहा है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप एक बार कोशिश कीजिए, 2-3 जगह पता लगाइए। अगर नियर बाई आप रहते हो तो आप हमारे यहाँ RD कंप्यूटर भी विजिट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।